यूपी के गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद परिवार और स्थानीय पत्रकारों में रोष और गुस्सा नजर आ रहा है। परिवार ने विक्रम का पोस्टमार्टम कराने और बॉडी लेने से भी मना कर दिया है। परिवार और स्थानीय पत्रकार अस्पताल में गाजियाबाद डीएम को बुलाने की बात पर अड़ गए। इसके अलावा मृतक परिवार के कातिलों को सख्त सजा, बच्चों की आगे तक की पढ़ाई का खर्चा और मुआवजा राशि मृतक पत्रकार के परिवार को देने की मांग की है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी गाजियाबाद और एसएसपी ने पीड़ित परिवार को सहायता करने का आश्वासन दिया है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और हम लोगों की प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है और जो भी घटना के लिए वहाँ सब कार्रवाई करने के लिए जो अभियुक्त उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से सहयोग किया है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से और इसमें उनको तात्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। हमने उनको ये आश्वासन दिया है, हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा उनके पेपर्स वगैरह लेकर के। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारी बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की, एसएसपी साहब ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह दी है और ये भी उनको कहा गया है कि जो तीनों बातें कही गई हैं उसका आश्वासन हम लोगों ने दिया है, उसके लिए उन्हें किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वो उनसे संपर्क में रह करके उनके प्रपत्र इत्यादि इकट्ठा करके जो भी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी पूरी करें। सर, जो नौकरी की बात कहेगी, क्या वो सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट नौकरी रहेगी? बताया उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो सबसे अच्छा प्रबंध होगा वो किया जाएगा, लेकिन नौकरी की व्यवस्था जरूर की सरकारी। सर आईजी साहब, डीएम गाजियाबाद ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार को सांत्वना दी और सहायता के तौर पर परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी और बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के आदेश दिए हैं। तो वहीं गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 मुख्य आरोपी सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी रवि, जिसने इस घटना की प्लानिंग की, और छोटू, जिसने गोली चलाई थी, ये दोनों घटना के मुख्य आरोपी हैं। जबकि आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे, ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सबके बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है, परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी जब जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी, जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी
अपना अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही जी सर के द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो की जा सके। आरोपियों को सरकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं इनके साथ हम लोग कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका जो एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के एक सेकेंड जो सभी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये जो मिस्क्रिएंट्स हैं, छोटू जो घटना से पहले आरोपी चौकी के अंदर परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं, और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है। ये तो साफ है कि इस पूरी घटना में गाजियाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसएसपी के अनुसार शुरुआती जांच में चौकी इंचार्ज की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, और आगे की जांच में भी किसी अन्य का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक करें तो कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ वैभव शर्मा, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।